हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगैन का शेफ। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल रेसिपी, मंडी मसाला। आज मैं आपको बताऊंगा आप आसानी से अपने घर में मंडी मसाला कैसे बनाएं। आपने लेना है एक बॉल या एक प्लेट, उसके अंदर पहले सारे मसाले निकाल लें। हम लेंगे 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून साबुत जीरा, 1 टेबल स्पून काली मिर्च ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून लौंग, 2 टेबल स्पून सिनेमन स्टिक, 2 ब्लैक कडमम यानी के बड़ी इलायची, 1 जावित्री का फूल, 1 टेबल स्पून हरी इलायची, आधे से आधा जायफल, 1 ब्लैक लेमन। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, तो एक आप ब्लैक लेमन भी डालें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरा सीक्रेट, ये है रोज़ पैटर्न यानी के सूखे हुए गुलाब के पत्ते आप आधा टीस्पून डाल दें। इससे क्या होगा, आपका मसाला सबके मसालों से अलग होगा, तो ये आप ऐड करें और अगर आप ना चाहें तो ना डालें, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ये डालता हूँ, ये मेरा सीक्रेट है। 1 आपने इसमें डालना है स्टार फूल, ये देखिए 1 आइटम और बाकी है, वो बाद में डालेंगे, मैं आपको बताऊंगा कब। ये सारे मसाले निकालने के बाद आपने लेना है 1 नॉनस्टिक पैन और इसमें डाल के हल्की आंच में रोस्ट कर लेना है सभी। आपका पैन साफ होना चाहिए, गीला ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सभी मसाले आपने डाले, स्लो गैस में अच्छे से ऐसे रोस्ट कर लिए, 2 से 3 मिनट रोस्ट करें, या फिर आपके पास टाइम है तो आप ये सारे मसाले एक ट्रे में रख के ओवन के ऊपर रख दें, तो वहाँ आराम से 1 से 2 दिन में सूख जाएंगे और आपने कुछ नहीं करना है इसके अलावा, बस ऐसे इसको अच्छे से सुखा लेना है। अब हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से ड्राई हो गए हैं और खुशबू पूरे किचन में फैल गई है। अब मैं कर दूंगा गैस बंद, आप भी गैस बंद करके इस तरीके से आपने एक बॉल में डालना है, देखिए आपने इसमें डालना है 1/2 चम्मच हल्दी, जो मैंने बोला था आपको बताऊंगा, ये बोइए और ठंडा होने के बाद आपने पीस लेना है। मसाला मैंने पीस लिया है, अब आपको दिखाता हूँ कि कितना अच्छा हुआ है, ये देखिए इसकी खुशबू का कोई जवाब नहीं है। जब मैंने इसको पीसा तो बस ऐसा लग रहा है कि इसकी जो खुशबू है वो पीछा नहीं छोड़ेगी। बहुत ही बेहतरीन खुशबू के साथ मंडी मसाला बनके तैयार है, ये देखिए। आज मैं आपके लिए लेके आया मंडी मसाला और मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया कि आप आसानी से कैसे बनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा काम करने का तरीका पसंद आया, आपके दिल को टच किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए